प्लीज मुझे मेरे भाई से मिलने दे, मुझे उससे बात तो करने दे। देखो बीबी, ज्यादा दिमाग नहीं खराब करो। एसएचओ साहब ने सख्ती से मना किया है। एसएचओ साहब कब आएंगे? मैं उससे नजरें नहीं मिला सकता। एसएचओ साहब प्लीज मुझे मेरे भाई से बात करने दे। कौन है भाई, है किसकी बात कर रही है? सर वो लड़का जो ले आया है चोरी के केस में, उसी की बहन है ये। हाँ आ जाओ, आओ बैठ के बात करते। अरे आ जाओ भाई, खातवा लिख के दे दो इनको। हाँ तो इसका भाई है वो अंदर है। हाँ सर प्लीज मुझे मेरे भाई शायान से बात करने दे। अरे बीबी थाना है ये, तुम्हारा घर नहीं, जहाँ तुम्हारी मर्जी चलती हो। और वैसे भी तुम्हारा भाई तो आती मुजरिम है। अरे देखा, अरे इसका भाई तो वहाँ गाड़ी वालों को कैसे लूट रहा था है। वाह जवाब नहीं, अरे ऐसे मुजरिम पर तो पक्का पर्चा कटता है। अरे जेल में जाके जब सड़ेगा ना तो लग पता जाएगा उसे भी और तुम लोगों को भी। बड़ी यशिया करते फिरते हो ना तुम लोग चोरी के पैसों से। नहीं नहीं सर, हमें तो पता भी नहीं था कि वो इन चक्रों में पड़ा हुआ है। अरे भाई वाह, मासूमों से तो भरी पड़ी है दुनिया है। कमाल है भाई। अरे घर वालों को तो पता ही नहीं होता कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। सर मेरी बात का यकीन करें, उसने घर में भनक तक नहीं पड़ने दी। अगर हमें मालूम होता तो हम उसे रोकते, उसे समझाते। हम बहुत शरीफ लोग हैं। ऐसे दो चार शरीफ और हो ना तो हो जाएगा बेड़ा गरक। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे भाई को छोड़ दें। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें? अरे छोड़ने के लिए कुछ माल खर्च होता है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे कितने पैसे चाहिए होंगे? बस 1,00,000 रुपए दे दो और बदले में ले जाओ अपने भाई को। 1,00,000 रुपए? अरे हाँ भाई, कुछ तो मुट्ठी गरम करनी पड़ेगी ना, वरना लगाती रहना कोर्ट कचहरी के चक्कर।